देश में, पूरे कंट्री में टीनेजर्स की यही लव स्टोरी है कि मेरी बंदी को देखा ना भाई तुझे छोड़ूंगा नहीं। True. यही सेम चीज बंदी अवेलेबल नहीं है, बंदी अवेलेबल पता ही नहीं है। How to boost their ego, you know, how to, you know, please them. They're all these, you know, things that women very inherently know how to do. How to take expensive gift. Yeah. Definitely. I feel like women have that common thing. They don't have to say it outrightly, but they still get it. Oops, I fall in love. बुक का नाम था, मैंने ऐसे को दे दिया उसको और वो बोली कि इसको सो चीप बुक क्या दे रहे हो, क्या दिया तुमने मुझे। मैंने कहा मैंने पढ़ा नहीं था, कवर देख के दे दिया मैंने। कवर देख के दिया तुमने, उसमें कितना कितनी गंदी किताब थी वो। मैंने कहा आई एम सो सॉरी। एक बार पंकज जी ने मुझे किस्सा बताया था, एक लड़की ने उन्हें बोला था कि पंकज भागते हुए बहुत अच्छा लगता है, तो जब भी वो लड़की दिखती थी पंकज जी भागते रहते। Hi, this is Amina Sheikh here, and with me today I have the star cast of Ittu Si Baat and the producer, welcoming all of them on E Times. Thank you for having me. Thank you. So to begin with you, Lakshman, you have made Mimi, which of course made a lot of noise, and now with this one, Ittu Si Baat. And actually, Ittu Si Baat, as I go by the trailer, what thought process did you go while making this one? Actually, Ittu Si Baat hai, but mujhe lagta hai uske andar bahut badi baat chupi hui hai. So as you must have seen in the trailer, छोटे से शहर का लड़का अपनी बंदी को आईफोन गिफ्ट करना चाह रहा है और पहले तो जब वो सुनता है तो उसको लगता है अच्छा आईफोन कितने का ही होगा। ठीक है, जहाँ पे हम शहरों में हर 6 महीने बाद आईफोन के मॉडल चेंज करते हैं, बट वहीं पे छोटे शहरों में जो कि अपने ज़्यादातर हिंदुस्तान है, वहाँ पर आईफोन की कीमत सुन के उनके पैरों से जमीन खिसक जाती है कि 1,30,000-35,000 का फोन, उसमें तो घर बनते हैं, शादियां होती है, परिवार चलते हैं। तो वैसे दुनिया में दो प्यार करने वाले की कहानी है और उस लड़का उस लड़की के लिए क्या क्या करता है, अपना खून तक बेचता है, इतनी मोहब्बत करता है उससे। तो कहानी इतनी प्यारी है, इतना इनोसेंस है उस कहानी में कि कुछ बैगेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना एक्शन है, कुछ नहीं है। इट्स अ प्योर एंड प्योर लव स्टोरी। एक लड़का एक लड़के से मोहब्बत करता है और उसकी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है और उसके लिए वो किसी भी हद से गुजरना चाह रहा है और उसके तो दोस्त है, तो उसमें लव ट्रैक है, दोस्ती है, रिलेशनशिप है, बाकी लोगों की इमोशंस है, ह्यूमर से भरी फिल्म है। सो इट वॉज फन एक्चुअली। मतलब एक कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा है कि आईफोन गिफ्ट करना है और वो वन लाइनर ही मुझे एज अ प्रोड्यूसर अच्छा लगा था जब अदनान अली लेके आए थे मेरे पास और फिर हमने उसको डेवलप किया अच्छे से। और बहुत ही इत्तु से बात जैसे ही बहुत ही छोटी सी फिल्म है, प्यारी सी फिल्म है, बट उसमें बहुत गहरी जान है। तो आई एम श्योर जैसे अपने ट्रेलर में या जैसे गाने आपने देखे, आज दूसरा एक गाना आया है चुप भी रहूं या फिर गुलाबी, तो सारे गाने अच्छे हैं इस फिल्म में। हिंदुस्तान के बेहतरीन से बेहतरीन सिंगर्स ने गाने गाए, जैसे अरिजीत सिंह ने गाया, विशाल मिश्रा, जुबिन नौटियाल, श्रेया घोषाल, आशीष कौर, सब ने गाया है क्योंकि उनको भी ये कहानी उतनी ही पसंद है। और तो एक्चुअली मज़ा आया, बहुत ही मतलब एंजॉय एक्सपीरियंस है, सीख रहे अभी भी, बट हर दिन के एक्सपीरियंस से ही मतलब मज़े ही ले रहे हैं हम लोग, अभी भी मज़े ही ले रहे हैं। But also Gayatri, this is your debut, you know, it's your Bollywood debut, and working with him, it's itself is such a big thing, you know. And at the same time, I really want to know personally, kabhi Ittu Si Baat ke liye aapne kabhi aisa kuch, you know, bahut bada kuch kar diya ho, you know, just for that iPhone or just to get that, you know, small, say a earphone or something like that, you know, very expensive in a way. Bilkul, mujhe lagta hai ki life mein na, in life when you are a young kid and when you don't have that exposure, that innocence, jo Sapna mein bhi hai. Sapna is a innocent girl, she's from a small town, and that innocence actually I derived from my younger self as well. And how flamboyant I was when it came to love. You know, we all are, we grow up, we all have grown up watching Bollywood films and and the romance that we have grown up seeing, so we idolize that. And I'm a big romantic at heart. So I definitely channeled that from my younger days, and I was telling him the other day actually that I sang a song
for my crush in school. Wow. In assembly, in like the morning assembly. Yeah. He didn't know what it was, but it was his favorite song, so he knew. Hmm. It was only for him to know. Nobody else knew, obviously. Hmm. But I sang Saiyan by Kailash Kher. It's a very romantic song. Hmm. And I remember him being really embarrassed because he thought that everybody knows that it's him. But it was nobody knew. So yeah, I have done that. And I really derive my all of that from my childhood experiences and from all the films I've watched. And I definitely, that helped me to play Sapna also. Talking about you, Bhupendra, what have you done, you know, in your personal life somewhere, which has been very crazy a moment? When I was in school, you know, I was madly in love with a girl. And, you know, I was just searching for her validation. Iski mujhe validation mil jaye, ye bas mujhe dekh le. So she was my family friend. And maine ek din uske liye paise jo hote nahi the, maine kahin se 70-80 rupaye maine एक बुक ली मैंने पहले ओप्स आई फॉल इन लव उस बुक का नाम था आई स्टिल रिमेंबर एंड एक चॉकलेट ली थी मैंने और एक रोज़ शायद नहीं आई डोंट रिमेंबर रोज़ नहीं लिया था शायद मैंने वो देख लेगा तो चॉकलेट और ओप्स आई फॉल इन लव ये मैंने लेके और मैं शाम को गया उसके पास वहाँ मिलना अलाउड नहीं था तो बहुत ही पुरानी बात है ये मैंने उसको दे दिया उसको और उसने भी ले लिया और फिर मैं आ गया उसके बाद उसने फ़ोन किया वो बोली कि इसको सो चीप बुक क्या दे रहे हो क्या दिया तुमने मुझे मैंने कहा मैंने पढ़ा नहीं था कवर देख के दे दिया मैंने कवर देख के दिया तुमने उसमें कितना कितनी गंदी किताब थी वो मैंने कहा आई एम सो सॉरी तो यस एंड यू नो इट वाज सो इनोसेंट आई वाज सो इनोसेंट दैट जस्ट वाज सो इनोसेंट बस मुझे लगा कि बुक पे लिखा हुआ है ओप्स आई फॉल इन लव तो बस फॉल इन लव लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ था एंड उसने कहा मैंने कहा बुक का है कि फेंक दी मैंने और चॉकलेट खा ली मैंने सो दैट्स हाउ आई डिड माय फर्स्ट और अभी तो सी बात थी बड़ी हो चुकी तेरी और आज यू लाइक रनिंग बिहाइंड अ मोबाइल फोन या द ट्रेलर इटसेल्फ इज सो फैंटास्टिक यू नो द वे इट डिपिक्स अ लव स्टोरी इन अ वेरी डिफरेंट वे एंड यू नो एक जगह पर कुछ और चल रहा है यू नो एक जगह पर कुछ और चल रहा है यू नो ही इज एक्चुअली लाइक प्लानिंग टू गिफ्ट यू अ फोन सो दैट यू फॉल इन लव विद हिम एंड एट द सेम टाइम देयर सम अदर गाय यू नो ट्राइंग हिज you know his luck actually somewhere you know while working on this it's also like you know sometimes it makes you actually relive you know all those moments you know jahan par actually you're in such a situation and you know there are two guys trying their own you know way and you're actually not as such aware exactly. that is what you know depicted in the story how was that you know to be you know naive and to be in that character where you know acha theek hai excitement mein ye sab kar rahe the character of Sapna actually truly reminded me of me back in when I was probably 14-15 years old because I'm from Delhi I feel like jab aap bade bade sheharon mein rehte ho aapka exposure level high ho jata hai you're very well connected to you know the world at large so I had to channel my younger self to be able to connect with Sapna and her innocence you know and how she's even till date I don't think I can tell outrightly ki just because he's sweet to me doesn't mean he's hitting on me I always like to give the benefit of the doubt you know to a person right like you don't have to assume but with lekin ek aur ladka agar wo same cheez dekh raha hai to wo bata dega हाँ. एक लड़के को हमेशा एक वो दे हैव द सेंसर ना कि ये गलत इंटेंशन है इसका सो फिल्म में भी जो बिट्टू है वो मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड है हम प्ले स्कूल साथ में गए हैं हम लोग बड़े होके नेबर्स रहे हैं तो बिट्टू अपने तरीके से उसका प्यार जो है वो साफ है वो सही तरीके से सपना का प्यार जीतना चाहता है एंड देन देयर इज अनदर गाय who has other intentions you know not so clean yeah so Bittu has this eye he knows that his intentions are not right and Sapna is not aware because she wants to trust everybody she likes to believe in the good of everyone so wo Bittu mein bhi believe karti hai usko yehi nahi pata ki Bittu pyar kar sakta hai let alone the other guy you know so it was that was what I channeled to be able to play these So did you feel friend-zoned while playing the character by her? Well, I'm friends. Haan, matlab, yeah, the character yeah, is friend-zoned. Yeah, he's actually saying, yeah. The character itself is a very friend-zoned character. So, yeah, I felt friend-zoned. Actually, wo help kara, kyunki hum log real life mein friends hain. Haan. So when we were playing friends, that was very natural for us. Haan. Playing friends was very natural. Actually, unko help kya kara na, abhi aap jaise dekh rahe ho na, yeah, exactly waise hi real life mein. Haan. ये उतना ही शाय और कम बात करने वाला है हाँ. तो बिट्टू का कैरेक्टर वैसा ही है मतलब वो
जिससे सब बट स्टिल लाइक समवेयर व्हेन यू से दिस लाइक यू नो उसका कैरेक्टर वैसे ही बट यू नो व्हेन यू आर व्हेन आई सी द ट्रेलर व्हेन यू डेल्व इनटू दैट कैरेक्टर द वे ही गेट्स इनटू अ डिफरेंट जोन आल्सो यू नो व्हेन ही इज extremely possessive right when he doesn't want that guy to come without you know her. In yeah without telling her maram todi jo bhi yani the way he's doing you know the action scenes and all so there is a shy side yes. and at the same time there is this side ke meri ladki ke sath mein kuch kara to you know I'll see her basically it's like that maar dega kisi wo usko pehle pata tha ki uska side hai right wo through the when he goes for all the things that he does for sapna he realizes on the way that I can do anything but pata ye hamare pure desh mein pure country mein teenagers ki yahi love story कि मेरी बंदी को देखा ना भाई तुझे छोड़ूंगा नहीं yeah. देख लूंगा और ये हर जगह है टीनेज लव स्टोरी में मतलब मेरी बंदी के ऊपर आंख उठाए तेरी आंख फोड़ दूंगा ट्रू यही सेम चीज बंदी अवेलेबल नहीं है बंदी अवेलेबल नहीं है पता ही नहीं एग्जैक्टली बंदी को पता ही नहीं है खाली वो अपने दोस्तों को बोल रहा है तेरी भाभी है भाभी है तेरी उन्होंने भी मान लिया Like, you know, there's this film called Ranjana, even there, you know, how Dhanush is madly in love right. with Sonam. She doesn't even know, you know, in the initial stages, like, you know, okay, oh my God, now, okay, friend hai. After a point, it's like very aggressive in love. So that is what the trait you have later on, that you're getting so possessive and still you don't see. Yeah. That's because he doesn't see anything in front of me. If you see with because uska biggest fear hai to lose Sapna even as a friend chalo pyar nahi hai to dost to hai na saath mein to hai wo uske liye dur dur ka pyar hi kafi hai what is real love love is even if you love at from a distance the purity that is what is love true so bittu usse itna pyar karta hai ki wo chance nahi lena chahta ki agar main ek bar I love you bol du aur Sapna isko gande tarike se le le to uski duniya khatam hai so I think that is where uske paas jaane ki khushi से ज्यादा उसको खोने का डर बहुत ज्यादा है कि अगर मैं उसको बताऊं और उसको ना पसंद आए तो शायद वो मुझसे दूर चली जाएगी उससे अच्छा जैसे है वही ठीक है एट द सेम टाइम यू नो द स्टोरी इटसेल्फ यू नो आईफोन के लिए यू नो आई लव यू बस बुलवाना इट्सेल्फ लाइक यू नो वेरी इंडियन स्टाइल स्टोरी बिकॉज यस लाइक हाँ आईफोन मिल जाएगा तो यू नो ऑफकोर्स जो भी होगा What made you make a film on a subject like this? Like, have you seen such stories? Have you like come across such chapters? Oh yeah, yeah, I have seen it. I mean, I am from a small town, and वहाँ पे प्यार ऐसे होता है. जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि स्कूल से एक लड़का और लड़की साथ में लड़का बोल रहा है कि मैं हमेशा उसके साथ आता हूँ. हमेशा उसके साथ आता हूँ. साथ क्या वो 10 कदम दूर चलती है 10 कदम पीछे उसको फॉलो करता है. एक बार पंकज जी ने मुझे किस्सा बताया था. उनके गाँव में एक लड़की ने उन्हें बोला था कि पंकज भागते हुए बहुत अच्छा लगता है तो जब भी वो लड़की दिखती थी पंकज जी भागते रहे और इतना भागते थे मुझे बता रहे थे कि सर वो जब भी मुझे दिखती थी मैं भागता था क्योंकि मैं उससे प्यार करता था तो ऐसा इनोसेंट प्यार होता है मतलब कुछ उसमें कुछ पाना नहीं होता खोना नहीं होता बस रात भर उसके सपने देखो उसके फोटो की तरफ देखो उसके बारे में सोचते रहो और इमेजिन करो कि वो कहाँ अटकी हुई है फंसी हुई है मैं जाऊंगा फाइटिंग करूंगा बचाऊंगा ये सारे इमेजिनेशन में चलते रहते हैं यही है वो प्यार इतने से बात भी यही है कि इसने सुना कि लड़की को आईफोन चाहिए अभी इसको जो करना है कर रहा है अपनी लड़ाई लड़ रहा है लड़की को पता तक नहीं है कि क्या कर रहा है यू नो तो वही है इनोसेंस इस फिल्म में और हमारा हिंदुस्तान ऐसे ही कहानियों से भरा हुआ है टू बोथ ऑफ यू Have you ever been or like, you know, has someone love you like that where you guys have not, you know, recognized but at the same time that person is, you know, is going to do anything for you both? And I'll come to you too. Mm-hmm. If you have done something like this with anyone. मेरे साथ हुआ था एक स्कूल में एक मेरा क्लासमेट हुआ करता था जिसने काफ़ी गाने भी लिखे थे मुझ पर वो आज कंपोज भी करते हैं गाने तो पर उन्होंने कभी outrightly बोला नहीं क्योंकि एक्सप्रेस नहीं किया नाम नहीं लेना चाहूँगी बट यस ही इज डन दैट एंड आई रिमेंबर जब मैं आई थिंक कॉलेज में आई थी व्हेन ही फर्स्ट सेड इट एंड एट द टाइम आई वाज जस्ट ओवरवेल्म्ड आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट लव इट आई डिड आई कुडंट रेसिप्रोकेट दैट यू नो बिकॉज इट वॉज ही वॉज माई फ्रेंड एंड दैट इज द बिगेस्ट फियर फॉर अ गाय टू एक्चुअली कम फॉरवर्ड जो बिट्टू नहीं कर पा रहा Right. So anyway, that story didn't have a happy ending, but you'll have to watch the film to find out. And also, it happens with girls, you know, when the friend proposes, no, they don't really like it, you know, because they just want that friend to be the friend, you know.
Have you ever been in that situation? They just want that, and you know that then it becomes quite difficult for them to be like, you know, normal with them, or even try to, you know, break the barrier like that. True. But that is again 50-50. In certain cases, the girl might also feel that way, you know, and in certain cases, she might completely friend zone you and you know, say, hey, shut up, what are you saying? I know you're kidding. Come on, we're friends. Right? Ye bhi hota hai. But I think when you see what is love, when you see in a real relationship, love is being friends first. It is being friends and being partners in life, you know, because you need to have that kind of friendly relationship as well. If you see any marriage, it will be great if you're friends. You know, you have to be friends. I'm not saying you only have to be friends, but friendship is very, very important in any form of love. And it also depends on your compatibility, how much that person is willing to do for you, how much you do for that person. There's a lot of things. So all of those things combined, I feel like matter in love. What about you, Bhupendra? And I'm a very shy person, so No, but some girl being, you know, somewhere, you know, falling for you and you have never recognized it. That could be the case, no? No, I can sense that, so I recognize it. Yeah, but पहचान लिया हाँ बट ऐसा हुआ था और बहुत बाद में उसने बताया कि ऐसा कुछ है तब तक बहुत देर हो चुकी थी मैं वो स्कूल छोड़ चुका था तो मैंने कहा अब तो ये हो गया क्या करें तो बोली कि ठीक है बट याद रखना है नो ऐसा कुछ बट या आई नेवर हैड सच एक्सपीरियंसेस टॉकिंग टू यू सिंस यू आर द प्रोड्यूसर हैव यू डन समथिंग फॉर अ गर्ल लाइक दिस और पता ही नहीं चला हो अब तक मैं ऐसा कुछ नहीं शायद क्योंकि मेरा ना पूरा बचपन काफी स्ट्रगल में गया है काम करते करते बट हाँ मेरे स्कूल में एक लड़की थी मेरे बच्चे सुनेंगे तो मारेंगे अभी पर प्यारा सा नाम था उसका वो नहीं बताऊंगा तो वो खूबसूरत थी मुझे अच्छी लगती थी क्योंकि मैं टिफिन लेके नहीं जाता था मैं रोज उसके टिफिन खाता था वाओ डब्बा और मेरे लिए बना के भी लेके आती थी नई नई चीजें तो शायद उसका कुछ तो हुआ रहेगा उसके बाद स्कूल बंद हो गई सारी चीजें बंद हो गई और एक मैंने एक फिल्म बनाई मराठी फिल्म तो मेरे राइटर ने उस फिल्म में जो लीड था उसको सेम नाम दिया था तो एक दिन मुझे फोन आया अचानक से हमारा स्कूल का रियूनियन था और उसमें शी आस्क्ड मी के दैट्स मी राइट नो दैट वाज माय राइटर वाओ ओह माय इट्स अ कोइंसिडेंस सो ये चीजें रह जाती है कभी कभी बट हाँ मतलब गुलाबी होता है सब कुछ उस उम्र में गुलाबी पिंक पिंक हो जाते हो गुलाबी हो जाते हो अपने ख्यालों में खोए रहते हो और आप आज जाके जब वो चीजें रिकलेक्ट करते हो तो ऐसा लगता है क्या था वो पागलपन था जैसे मैं शिवाजी पार्क से ग्रैंड रोड साइकिल पे जाता था रोज मैं काम करता था वहाँ पे आई वॉज 17 तो हमारे घर पे बड़ोड़ा से एक लड़की आई थी कोई तो पहली बार मुझे ऐसा लगता था कि मेरा होना इम्पोर्टेंट इतना नहीं है बट उस टाइम ऐसा लगा कि मेरा होना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो मुझे स्माइल देती थी वाओ तो मैं साइकिल हमेशा हजी अली पे रोकता था और हजी अली बाबा को बोलता था यार उससे प्यार करा दो क्या कर नहीं बोल सकता सम अदर पावर शुड कम एंड मेक इट हैपन आई कांट रोज का बोलता स्पिरिचुअल लव रोज का बोलता था और फिर वो एक महीना छुट्टी पे आई थी वो चली गई फिर मैंने खत लिखा और वो खत लिखते हुए मैं इतना रोया था कि आधा खत फेड हो चुका था आंसू से वो मेरी वाइफ है अभी वाओ दैट इज सो ब्यूटीफुल दैट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली या दैट्स वेरी ब्यूटीफुल बट आल्सो गायत्री समवेयर डोंट यू फील दैट यू नो मे बी विमेन मैच्योर यू नो इन व्हेन इट कम्स टू लव एज कंपेयर टू मेन समटाइम्स दे आर लाइक यू नो दे गेट लाइक एक्सट्रीमली पोसेसिव और यू नो समटाइम्स इट कैन आल्सो बी वायलेंट आई मे बी रॉन्ग व्हाइल सेइंग दिस बट यू नो समटाइम्स यू नो द वे विमेन टैकल विद सच सिचुएशंस दे आर वेरी लाइक यू नो कॉन्शियस अबाउट देयर डिसीजंस एंड ऑल Maybe it comes across in a very different way to men. What are your thoughts on that? I feel women are born with this extra sensitivity. That is a big difference. I think that is the only difference, that women are able to nurture a child, you know. So when you have that that nurturing gene, I feel I call it, which men have different traits. I'm not saying men are not nurturing, but women inherently are, you know. So I feel like they know how to handle any
when a man is upset, right, we know exactly what to say to, to you know, bring their moral back up or bring their, you know how to boost their ego, you know how to, you know, please them. They're all these, you know, things that women very inherently know how to do. How to take expensive gift. Yeah. Definitely. I feel like women have that one thing. They don't have to say it outrightly, but they still get it. That's you know, true. If that's the man is in love with them. So, but, and men on the other hand have, you know, I would say men are innocent beings. I honestly think that it's very easy to confuse a man. I do agree. Some what she's saying, I think, yeah. अभी मेरा ध्यान गया उस चीज़ के ऊपर कि हाँ, एक 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 मर्द को confuse करना एक औरत के लिए बहुत आसान है. Really? Yeah. It is actually a survival. But in some कुछ जगहों पे, I think men कुछ जगहों पे वो अपना काम अपना अपना अपनी responsibility खुद समझता है वहाँ पे. I think it's a give and take. दोनों कुछ कुछ चीज़ों में एक एक वुमन एक फीमेल एक मेल के ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ चीज़ों में एक मेल एक फीमेल पर डिपेंडेंट है और दोनों दूसरे को दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. सो किसी भी एक उसमें बट व्हाट शी सेड आई पार्शियली एग्री विद दैट. यस पार्शियली. बिफोर आई लेट यू गो, व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? ऑल यू थ्री ऑफ यू आर वर्किंग ऑन? आई हैव जस्ट डायरेक्टेड फिल्म विद विकी कौशल एंड सारा अली खान, which is most probably it's going to release in August, September. So working on that post and all. And right now focusing on Ittu Se Baat. What made you cast Sara and Vicky in a film together? Because, you know, poles apart somewhere when actually, it comes to my kind film, of if you have seen, I always like to have a fresh location and fresh casting. Jo pair kisi ne dekha nahi hai. To jaise Mimi mein Pankaj aur कृति, इमेजिन भी नहीं कर सकता था ये दो साथ फिल्म बन सकती है. लुका छुपी में कार्तिक एंड कृति, वैसे विकी वाली फिल्म में आई थॉट विकी एंड सारा वुड बी अ डिफरेंट एंड फ्रेश पेयर टू ऑडियंस. जैसे मेरी फिल्मों में टाउन नया होता है, शहर नया होता है, वैसे कोशिश करता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग भी कुछ नयापन हो ताकि ऑडियंस को थोड़ा देखने में मजा आए, एक फ्लेवर मिले. जैसे कि इत्तु सी बात में, मतलब इत्तु सी बात की जब कास्टिंग शुरू हुई तब मतलब हमने कोई किसी और स्टार के पास गए ही नहीं बेसिकली. जैसे स्क्रिप्ट अच्छी लगी मुझे लगा कोई ऐसे एक्टर चाहिए जो इसको जी सकते हैं, जो ऐसा लड़का चाहिए जो स्मॉल टाउन से है, उस दुनिया से है, जो इस चीज़ों को इन इमोशंस को फील कर सकता है. और मैं बताना चाहूँगा भूपी को, मैं भूपी बोलता हूँ, भूपेंद्र नाम है बट भूपी बोलता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ. हमारा जो राइटर है रोहन भुगे, जिन्होंने लुका छुपी लिखी, वो यारी रोड में रहते थे पीजी में, एक एक फ्लैट में चार लोग रहते थे. तब एक लड़का, मैं जब लिखने जाता था वहाँ पे, तब एक लड़का दिन में तीन चार बार हर बार कपड़े चेंज करके बाहर जाता था, फिर आधे घंटे बाद आता था, फिर कपड़े चेंज करके बाहर जाता था. मैंने एक दिन उसको पूछा, भाई तू जाता किधर है इतना, मतलब हमें भी डिस्टर्ब होता है, तू बार बार दरवाजे खोलता है, ये करता है. उसने कहा मैं ऑडिशन देने जाता हूँ. मैंने कहा तुझे इतना कौन बुलाता है ऑडिशन के लिए? तो बोला मुझे कोई बुलाता नहीं है, मैं खुद जाता हूँ. और वो पैशन और वो हार्डवर्क देख के मैंने उसको उस टाइम बोला था कि ये तेरा हार्डवर्क, तू जितनी शिद्दत से कर रहा है ना, तू बहुत बड़ा स्टार बनेगा. हमारे यहाँ एग्जाम्पल्स है, शाहरुख सर देखो, कितने लोग है. शाहरुख इज वन बिगेस्ट एग्जांपल, लाइक हाउ वही सेम पैशन और मेहनत मैंने इसमें देखी है कि कभी कभी दूध की थैली लेके आता था, मैंने कहा क्या भूख लगी थी, दूध पी के चला जाऊंगा. तो वो हार्डवर्क और वो यू नो वो चीजें उसमें देखी है. और अब इसको देख के ऐसे, और जिस तरह से एक्चुअली उसने इस किरदार को निभाया है, वो फील करता था कि हाँ मेरे पास भी आईफोन देने के पैसे नहीं है आज की तारीख में, अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने मांगा तो. और वो उसकी आंखों में झलकता है एक्चुअली. At the same time, like, you know, even for this film, you have, you know, got two new faces completely. Yeah. You know, young faces, new faces, haven't, you know, done much work into, you know, acting and all as such. You know, of course, like, Gayatri has still done, and I mean, they have done, but, you know, as such, when I say that, you know, that popularity is not there, but still you took the risk of getting them. Yeah. What made you cast them? When I started Ittu Se Baat, my point was ke, yaar, hume 140 crore ki abadi mein bahut hero milenge. थोड़ा स्ट्रगल होगा बट अगर ढूंढेंगे तो बहुत मिलेंगे. और जब ढूंढना शुरू किया तो ऑब्वियसली भूपी तो पहले से मेरे दिमाग में था. और हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर है वह उन्होंने सपना के मतलब गायत्री के फोटोज दिखाए. मुझे पता था थोड़ी डिफिकल्टीज होगी बट टू बैलेंस इट,
Vishal Mishra has given fabulous music. Oh, music. All top singers of our industry, they have sung songs in our film, like Harijit Singh, Vishal Mishra, Zubin Nautiyal, Asis Kaur, Tony Kakkar, everyone has sung the song. So we have balanced it. So the music is so good, so melodious, that I know there is a struggle for new faces, you know, to project. But we have balanced it with the music. And ek bar mere khayal se trailer mein ya fir film dekhenge log aur inka abhinay dekhenge, inka performance dekhenge, to I'm sure word of mouth se log ye film ko bahut zyada connect karenge. Pasand to karenge, but connect bhi karenge, kyunki us film mein aisi koi cheez nahi hai jo imagination mein ho rahi hai. So I think wo ek tha ke obviously balance karna, but balance kiya acche se, let's see kya hota hai. I wanted to add to that, Sameena, imagine you are working day and night to get a break, and there comes, you know, a man who sees faith in you and their team and Enid Studios, Adnan sir, and they together come and they say, okay, we trust you, we want to launch you. And बस उसमें वो एक उनकी डिसीजन से उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी, यू नो. सो दैट इज व्हाट मोर पीपल शुड बी डूइंग. दैट इज व्हाट यू शुड से, दैट इत्तु सी बात एक्चुअली चेंज्ड योर लाइफ. एंड देयर आर पीपल हु यू नो बिलीव इन दिस, लाइक एनएस स्टूडियोस से नरेंद्र हेरावत जी, श्रेयंस हेरावत है. द मोमेंट आई टोल्ड देम द स्टोरी, दे सेड यस वी आर डूइंग इट. सो देयर आर पीपल हु कैन, हु हैज फेथ एंड बिलीव इन गुड स्टोरीज, यू नो, टिल दैट. Upcoming projects for both of you? I'm doing a South film. It's with Ravi Teja sir. It's called Tiger Nageshwar Rao. So its shooting shuru ho chuki hai, but my schedule is starting very, very soon. And so I thought that would be your debut, honestly. Yeah, like, you know, I thought like you would start with South. Okay. No, but this was this actually we have shot long ago, and I'm so happy that, you know, it's releasing, and that too on my birthday. 17th June also happens to be my birthday, and I'm very grateful that day. This is like the best birthday gift ever. And right after that, I'm going to start shooting for that project. What about you, Bhupendra? Yeah, I think things are going gradually, so I can't say anything right now. It's too early to say, but yeah, I'll surprise, definitely. I like that. I'll surprise you. I'm definitely sure about it, because going by the trailer, it's come out very well. Thank you so much for thank your you so much. Thank